राष्ट्रीय स्तर का ये मुकाबला होने जा रहा है जमुई की धरती पर पहली बार, और दोनों ही खिलाड़ी अपने बॉर्डर लाइन को जो सेंटर पॉइंट है सेंटर लाइन को टच करते हुए वापस जा रहे हैं अपने कोर्ट में, अपने स्थान को ग्रहण कर रहे हैं। बेगूसराय की टीम जाना चाहिए उधर घुमा ले रेडिंग के पोजीशन में रेडिंग करेंगे बेगूसराय, और साइड जिन्होंने की टॉस जीता था उन्होंने कोर्ट का कोर्ट लेने का फैसला किया। रेडर जर्सी नंबर 4 और लगभग बोनस पॉइंट अर्जित करते करते बोनस बाय बेगूसराय की बेबी गन फॉर बेगूसराय। नो नो वन कैन क्लैप इट शो 1 point Muzaffarpur so scoring is equal 1-1 Begusarai 1 Muzaffarpur also 1 oh 3-1 Begusarai and she is able to out 2 players. और एक बार फिर मुजफ्फरपुर की टीम बोनस प्लस वन पॉइंट ताली बजाएंगे दर्शक, ताली में कंजूसी हो रही है भाई। खतरा हो सकता है, लगभग बोनस पॉइंट अर्जित कर रहे हैं कर लिए हैं नहीं बोनस नहीं ले पाए वो क्योंकि पांच ही प्लेयर हैं उनके साइड में बचे हुए, और ऐसे कंडीशन में बोनस नहीं दिया जाता है। और एक बार फिर मुजफ्फरपुर बुलंद हौसले के साथ बेगूसराय की टीम में बेगूसराय के कोर्ट में, और बार बार मुश्किल हो सकता है और आउट। बोनस प्लस वन पॉइंट एंड टोटल पॉइंट गोज ऑन 5-4 और मेरे ख्याल से अंपायर का बोनस प्लस वन पॉइंट 5-6 एंड बेगूसराय 6 बेगूसराय इज द लीडिंग पोजिशन नाउ इन दिस टाइम्स एंड One point on 6 equalize give a big and far equalizing point Begusarai 6 and Muzaffarpur also 6 tight situations once again bonus Begusarai bonus point earned by the player of Begusarai। दर्शक थोड़ा सा सुस्त हो चुके हैं, ताली बजाएंगे, इतनी अच्छी मैच है, इतनी खूबसूरत अंदाज में वुमेन्स कबड्डी का टूर्नामेंट है जो कि फाइनल मुकाबला है, और दोनों ही टीम हमारे क्षेत्र से बाहर के हैं और आपके बीच आपके मनोरंजन के लिए, और ये बहुत ही खूबसूरत, और एक बार जबरदस्त ताली जोरदार ताली इस पॉइंट के लिए। We all are excited. Clap everybody anytime, any moment. Begusarai is on the driving seat and it could be dangerous. What a shot! 3 plus bonus. Begusarai continuously is on leading positions. 14-7. Clap everybody. 14-7. Oh, once again, Begusarai getting the point.
7 बेगूसराय 16 16 7 क्लैप फॉर बेगूसराय. Now she is the women's teams of Beguishrai is on the leading positions. Show. Arthur. Tali mein kanjusi ho rahi hai bhai. Aap log shust ho gaye hain. Bahut hi behtareen mukabla. 3 पॉइंट के साथ बेगूसराय ने एक बार ऑल आउट कर लिया सारे खिलाड़ी मुजफ्फरपुर के. टोटल पॉइंट 19-7 का अंतराल और फिर खतरा टला नहीं. जोड़ों की बारिश होने वाली है मुजफ्फरपुर पे और ये पॉइंट की बारिश होगी क्योंकि पॉइंट लेने में नाकामयाब हो रहे हैं. लगातार बढ़त बनाए हुए हैं बेगूसराय की टीम. Wedding the lead. 1 point. Beguisraya. 21-7. 21-7. और ताली बजाएंगे दर्शक. इतनी जबरदस्त रोचक मुकाबला पहली बार जम्मू के इतिहास में. और इतने निर्णायक की भूमिका में बेगूसराय लगातार बढ़त बनाए हुए इस खेल में और जीत का रास्ता लगभग देख चुके हैं बेगूसराय की दोनों ही टीम. और इस बार दूर दो को एक को आउट करने में सफल 2 पॉइंट लेने में कामयाब. 921 बेगूसराय जर्सी नंबर 4 का अपनी टीम के लिए बहुत सारे पॉइंट्स को अर्जित करने में कामयाब और एक बार फिर बोनस लेकर अपने टीम को बढ़त दिलाने में कामयाब हो गए हैं बेगूसराय की जर्सी नंबर 4. और ताली बजाएंगे दर्शकों से बार बार मेरा निवेदन ये की है कि ताली बजाते रहे ऐसा लगे जब ये खिलाड़ी ये दूसरे स्थान में जाए तो जमुई को याद रखे जमुई की धरती को याद रखे. इसलिए एक बार मेरी तरफ से जोरदार ताली इस खेल के लुप्त के लिए. और इस बीच एक पॉइंट मुजफ्फरपुर की टीम लेने में कामयाब और एक बार फिर जर्सी नंबर 4 रेडी करते हुए और मुजफ्फरपुर की टीम में और सारे ही बोनस बोनस बाय बेगूसराय 23-10 फासला काफी बढ़ते जा रहा है अंतराल काफी बढ़ते जा रहा है और दर्शक जिस अंदाज में खामोशी के अंदाज में है ऐसा लग रहा है कि मैच का उनके लिए आनंदित कर देने वाला नहीं है. और हम चाहते हैं कि एक बार दर्शक जोरदार ताली बजाए बीच बीच में हंगामे के बीच में छोड़ना चाहिए हंगामा होते रहना चाहिए. और मेरे दूसरी तरफ बाई तरफ जो सामने की तरफ जो दर्शक है उनकी तरफ से कोई भी एक बार भी क्लैपिंग नहीं हुआ है अभी तक और इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग भी ताली करें ताली बजाए हौसला अफजाई के लिए क्योंकि ये बाहरी खिलाड़ी हैं. और इस बीच एक पॉइंट लेने में कामयाब 24-10 लगातार बेगूसराय की टीम दबाव बनाए हुए हैं मुजफ्फरपुर की टीम पर. और एक बार फिर जर्सी नंबर 3 के बेगूसराय के प्लेयर गए काफी और एक और पॉइंट ताली बजाएंगे दर्शक नहीं बजाते हैं इतना जबरदस्त इतना लंबा अंतराल है और मैच वन साइडेड होते जा रहा है.
अंतरा हो सकता है और ये हुआ ही जिसकी संभावना थी। 26-10 काफी लंबा अंतराल बढ़ते जा रहा है और बेगूसराय की टीम जर्सी नंबर 3 और खतरा हो एक बार पुनः और इस बार रेडर कैचर आउट। 27-10 खेल चुकी है काफी अनुभवी लंबे अरसे का लंबे अंतराल का अनुभव उनके पास कबड्डी खेलने का और वो आज भी कबड्डी में उतनी ही दिलचस्पी रखते हैं। और दूसरे अंपायर है हमारे राजकिशोर सिंह और एक बार फिर हम याद करना चाहेंगे और यहाँ पे जो भीड़ लगी हुई है स्कोरर के पास वो थोड़ा सा हट जाएंगे और स्कोरर के पास इन सब के पीछे एक कामयाब शख्स का अहम रोल है। और बेगूसराय इस बीच 1 पॉइंट लेने में 11-27 इस बार पॉइंट मुजफ्फरपुर के पाले में और इस बीच बेगूसराय एक बार फिर मुजफ्फरपुर के टीम में मुजफ्फरपुर के पाले में बेगूसराय जर्सी नंबर 4 और दर्शक काफी सुस्त बोनस 13-27 एंड बेगूसराय लगातार अंतराल को बढ़ाते हुए अपने पॉइंट को एक के बाद एक अर्जित करने में कामयाब हो रहे हैं। बेहतरीन अंदाज में जैसे नंबर 4 और काफी चपल चुस्त मुस्तैद हैं। दूसरी तरफ से मुजफ्फरपुर की टीम और वो लगातार अपने अंतराल को कम करने का प्रयास कर रहे हैं, पॉइंट अर्जित करना चाहते हैं। जर्सी नंबर 3 एक बार और खतरा हो सकता है और इस बार आउट, सफलता मिली। 14-27 14 पॉइंट के साथ मुजफ्फरपुर लगातार संघर्ष करने की स्थिति में और जर्सी नंबर 10 मुजफ्फरपुर की तरफ से बेगूसराय के पाले में बेगूसराय की तरफ जाते हुए और जर्सी नंबर 4 लगातार उनकी कंटिन्यूटी उनकी दिलेरी उनकी जाबाजी पे हम शक नहीं कर सकते और इस बार एक पॉइंट लेने में फिर कामयाब। बहुत ही खूबसूरत 1 पॉइंट बेगूसराय 28-14 हार जीत का अंतराल अभी बढ़ते जा रहा है। बेगूसराय एक पॉइंट एक के बाद एक बढ़त बनाए जा रहे हैं। रामकृष्ण कृष्ण पट्टी की ओर से ये सार्थक प्रयास और बिल्कुल आ गई धन्यवाद के पात्र हैं वहां के डायरेक्टर विजय सिंह विजय जी और हम उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे और दर्शकों से एक बार अनुरोध करेंगे कि उनके सम्मान में एक जोरदार ताली बजाए। एक बार जोरदार ताली हमारे एक्टर हैं उनके लिए उनके सम्मान में ताली जो ये सुनहरा मौका आप सभी दर्शकों को। और इस बीच जर्सी नंबर 1 पॉइंट लेने में कामयाब दो 2 पॉइंट्स 16-28 इस बार खतरे में है बेगूसराय की टीम।
पॉइंट का बढ़त है उनके पास, और जैसे नंबर फोर अगर इनको आउट करने में कामयाब हो जाए तो ठीक है ठीक हम चल रेडर आउट ना रेडर सेफ वन पॉइंट 29 टोटल पॉइंट 29-16 और वापसी करते हुए वापसी करने का भरपूर प्रयास और इस बार फिर प्रीति सिंह का डिसीजन का इंतजार रहेगा मुझे एक बार जोरदार ताली मुजफ्फरपुर की तरफ से परसेक कामयाब हो रहे हैं अपने कामयाबी में रेडर आउट पॉइंट बाय मुजफ्फरपुर 1929 तो जोरदार ताली वापसी करने के प्रयास में वापस लगभग वापसी कर चुके हैं इस मैच में और सराहनीय प्रयास पानी लाया जाए खिलाड़ियों के लिए और जैसे नंबर फोर एक बार फिर मुजफ्फरपुर के पाले में रेडिंग करते हुए बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत जर्सी नंबर शुरू से ही जर्सी नंबर फोर लगभग लीडिंग पोजीशन में बोनस घुस रहा है और टोटल 30-22 क्लैप एवरीबॉडी फॉर 30-22 जर्सी नंबर 9 जर्सी नंबर 9 बोनस मुजफ्फरपुर 23 स्कोर गोज ऑन 23-30 सर जर्सी नंबर 4 1.5 बेगूसराय 31 और खतरे में पॉइंट बाय बेगूसराय रेडर आउट सर जैसे नंबर फोर एक बार पुनः मुजफ्फरपुर के पाले में लगातार शुरू से ही कड़ी मेहनत कर रहे हैं जैसे नंबर फोर और अपने टीम को बढ़त दिलाने में कामयाब और इस बीच जैसे नंबर मुजफ्फरपुर की तरफ से रेडिंग करते हुए और इस बीच बेगूसराय के सारी टीम एकजुटता दिखाते हुए उन्हें पकड़ने का उन्हें कैच करने का प्रयास करते हुए और वो वापस सुरक्षित जा रहे हैं बगैर कोई पॉइंट लिए हुए एक बार पुनः बेगूसराय की जर्सी नंबर 3 बेगूसराय की टीम की तरफ से रेडिंग करते हुए और मुजफ्फरपुर के पाले में लास्ट 5 मिनट बचे हुए हैं और इस मैच का जो लुत्फ उठा रहे हैं दर्शक काफी शांत हो गए हैं और जर्सी नंबर 2 रेडिंग करते हुए लगभग थोड़ा सा हेजिटेशन अंपायर को वेट करेंगे 1.24-32 एक बार पुनः जर्सी नंबर 4 और लगभग बोनस आई एम वेटिंग द एम्पायर डिसीजन प्रीति सिंह बोनस फॉर बेगूसराय गिव अ बिग हैंड फॉर बेगूसराय और जर्सी नंबर 10 इट कुड बी देंडर्स यस जर्सी नंबर 10 आउट रेडर आउट एंड पॉइंट गोज ऑन 34-24 big defense created once again and jersey number 4
now he's on learning positions. Four number, 4 minutes. सिर्फ बचे हुए हैं, एक बार जोरदार ताली। अब इस रोमांचक मुकाबला यहाँ पे दो पॉइंट लेने में कामयाब हो गए मुजफ्फरपुर की टीम और टोटल पॉइंट गोज ऑन 26-34। सर अंतराल को कम जो कि शुरू से ही बेगूसराय बढ़त दे थी और जैसे नंबर फोर रेडिंग करते हुए बेगूसराय की टीम की ओर से और लगभग दर्शकों का सांस थमा हुआ। इस बार खतरा हो सकता है और कैचर आउट। 10 ओनली 3 मिनट्स लेफ्ट टू गो ओनली 3 मिनट्स। सो आई काइंडली रिक्वेस्ट टू यू ऑल स्पेक्टेटर्स ऑफ द दोस हु बोनस बाय मुजफ्फरपुर 27-35। Once again, jersey number 4 is in the reading positions. Toko out karne mein kamyab. 37-27. 37. The difference is 10 points. Rapidly goes. Begusrai. Now in this time, jersey number 9 is on the reading. And so is a very curious, but it could be out. Yes, out. Raider out. Point by Begusrai. 38-27. Last 2 minutes left to go. So I kindly request to you all, spectators, clap everybody. Enjoy, ease the movement. Jersey number 3 is on the reading positions. Now, cross the center lines. Jersey number 7 is on the reading. Reader. And वापस आते हुए अब मात्र 3 खिलाड़ी बचे हुए हैं पहले में और जैसे नंबर 12 एक बार और खतरा हो सकता है और कामयाब 2 पॉइंट्स बेगूसराय के द्वारा 40-27। ओनली वन मिनट टू गो। शो यू ऑल एंजॉय दिस 1 मिनट्स। Enjoy everybody. So give a big hand for this enjoyable moment and really thankful to those who provides this great opportunities to see the Kabaddi live telecast. Really thankful. We all Vijay Kumar Singh, director of Krish Patti Jamui Ramkrishna High School Krishna Patti Jamui, and we also thankful to director of last raider only one minute. Time is out. Over, give up again for Begusrai. Winner हो चुके हैं और तभी रोमांचक मुकाबले में उन्होंने मुजफ्फरपुर की टीम को शिकस्त दी और एक बार दर्शक जो कि इसके इस पूरे मैच का भरपूर आनंद उठाए और उनको जो इस मैच का लुत्फ उठाने का मौका दिया। हेलो उत्तम जी, शानदार मुकाबला, विजय टीम को बधाई हो। समयाभाव कम है, जेंडर अनइक्वलिटी की बात जो हमारे श्रीमती स्मृति पासवान जी ने कही है तो उसके
एक सामने की हमारे स्कूल के लड़के स्पोर्ट्स में बहुत आगे हैं, रामकृष्ण विद्यालय के नेशनल स्टेट लेवल पर भी यहाँ के बच्चे कबड्डी खेल चुके हैं। गुड इवनिंग मिस्टर शमाइल अहमद सर, डिफरेंट स्कूल डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड माई फ्रेंड्स। यूजुअली द कस्टम गोज, कस्टम के हिसाब से जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उनका धन्यवाद करना होता है, पर मैं कस्टम को थोड़ा ब्रेक करना चाहूँगी इस जगह पर और एक्सक्यूज लेते हुए ये कहना चाहूँगी कि आई वॉन्ट टू थैंक ऑल द वुमेन पार्टिसिपेंट्स हियर, जिन्होंने ये मौका दिया हम लोगों को इतना खूबसूरत मैच देखने का। जो ट्रू स्पिरिट के साथ उन्होंने ये मैच खेला, ये हम लोगों के लिए एक शानदार अवसर था उन लोगों को देखने का। मैं उन लोगों को इसलिए भी थैंक यू करना चाहूँगी, जितने भी वुमेन पार्टिसिपेंट हैं, फॉर मेकिंग अस प्राउड। वो हमारे गर्व का चिन्ह है जितनी औरतें यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं। अक्सर कहा जाता है कि पार्टिसिपेट करना ही खुद में एक जीत है, पर औरतें जब पार्टिसिपेट करती हैं तो वो जीत बहुत बड़ी होती है, वो हम सारी औरतों के लिए उपलब्धि होती है। जितने हिंड्रेंसेस को, जितने परेशानियों को पार करके यहाँ पर जितनी भी और महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया है, मैं उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कहना चाहूँगी और धन्यवाद भी करना चाहूँगी कि हम सबको ये अवसर देते हैं और पूरे देश को वो गौरवान्वित महसूस कराते हैं। लास्टली मैं फिर से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और वेलफेयर एसोसिएशन को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने ये मौका दिया कि मैं उनके 7th एनुअल डे सेलिब्रेशन का एक हिस्सा बन सकी। आगे आने वाले नए साल के लिए सबको हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट टू ऑल द वुमेन एंड मोर पावर टू गर्ल्स। थैंक यू। अब मैं आशीर्वचन के लिए मुंसिफ मजिस्ट्रेट मिस्टर एन के यादव को आमंत्रित करता हूं कि दो शब्द आशीर्वचन के रूप में। मुंसिफ मजिस्ट्रेट मिस्टर एन के यादव, यहाँ उपस्थित मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय, प्रबंधक महोदय और अभिभावक गण, शिक्षक गण और प्यारे बच्चों, आज 3 मैच कबड्डी के हुए, तीनों ही बहुत रोमांचक मैच हुए और तीनों टीमें ने पूरी तरह से अपना मनोयोग लगा कर संघर्ष किया। और मैं यह बताना चाहता हूँ कि जब दो टीमें खेलती हैं तो एक टीम जीतती है, दूसरी टीम उससे थोड़ा कमतर रहती है, इसका मतलब यह नहीं कि वो हारती है। वो अपना बेस्ट एफर्ट लगाई परंतु वो हार गई, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि वो हार गई। और तीनों मैच बहुत ही सराहनीय और बहुत सुंदर मैच थे। बीच में जो बच्चों का कार्यक्रम हुआ वो भी काफ़ी मनमोहक कार्यक्रम था। और मैं यह बताना चाहता हूँ कि ये जो रामकृष्ण स्कूल के तरफ से जो आयोजन था वो महिला सशक्तिकरण के लिए एक अगला कदम था और ये महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। और ये जो कबड्डी, महिलाओं ने कबड्डी का आयोजन किया है, कहीं से भी किसी भी स्तर से पुरुषों से कमतर नहीं था। और ये बढ़ चढ़कर मेरा विश्वास है कि अगर कबड्डी का मैच हो तो कहीं से भी किसी भी जेंट्स टीम को भी यह चुनौती दे सकती है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं संक्षेप में अपनी बातें रखता हूँ और ये धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस ये अवसर प्रदान किया गया कि मैं आप सबको बोल सकूं। अगर समय रहता तो बच्चों से इंटरेक्ट करने का ये बहुत ही अच्छा अवसर था। और मैं बताना चाहता हूं कि बच्चे, अब जो ये विद्यालय के बच्चे हैं जो सुन रहे हैं, उनसे बताना चाहता हूं कि हमेशा जीवन में संघर्ष करें और अपना लक्ष्य बनाएं और उसको पाने के लिए अपना पूर्ण मेहनत करें। और हर बच्चा अपने आप में अनमोल है, कभी भी आपको आगे बढ़ना है तो दूसरे को, मैं बताना चाहता हूँ कि दूसरे को नीचा ना दिखाएं, हमेशा अपनी लाइन को बड़ी खींचे, दूसरी की लाइन को कम मत करें, हमेशा अपने लाइन को बड़े चो। आपको आगे बढ़ना है तो आप अपनी सीढ़ियों को चढ़ें, दूसरे को ना देखें कि कैसे वो चढ़ता है, देखें उससे उनका मनोबल को लें, उनसे उसके सकारात्मक ऊर्जा को लें और हमेशा अच्छे विचारों को अपने मन में रखें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा, बॉयज एंड गर्ल्स विनर और रनर, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर की सारी टीमें ग्राउंड में आ जाएं, चूंकि पारितोषिक का भी एक सबसे अहम कार्यक्रम है। ग्राउंड पूरा खाली करिए, ग्राउंड प्लीज खाली करिए, हम वॉलेंटियर से रिक्वेस्ट करते हैं। मैं बुलाना चाहता हूं आज के हमारे इस कबड्डी
टूर्नामेंट के स्पेशल गेस्ट मिस्टर नीरज कुमार त्यागी जी, सीजीएम एसडीजीएम जम्मू। हेलो, यहाँ पर उपस्थित सभी देवी और सज्जनों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों छात्रों, ये बच्चों का कार्यक्रम था, बहुत अच्छा लगा आके, और हमें यहाँ इन्होंने चीफ गेस्ट बनाया। ये हमारा सौभाग्य है कि यहाँ बच्चों के बीच में चीफ गेस्ट बने। न्यायाधीश लोग तो अपने कोर्ट में रहते हैं, कोर्ट का ही काम देखते हैं, लेकिन आपके बीच आने से अच्छा लगा। और बच्चों को कहना चाहता हूँ मैं कि स्वस्थ शरीर, जब स्वस्थ मस्तिष्क रहेगा, जब ही आदमी स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, तो अपना अच्छा खेलें, पढ़ें, आगे बढ़ें और खेल कूद करते रहें। अच्छी बात है, बच्चे ही खेलते हैं कूदते हैं। मुझे यहाँ आके अच्छा लगा। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ अपने डायरेक्टर साहब का, रामकृष्ण मिशन स्कूल के डायरेक्टर साहब का, कि उन्होंने मुझे मौका दिया। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मैं गुजारिश किया था पहले भी, विनर रनर बॉयज, विनर रनर गर्ल्स, अंडर 14 सीनियर बॉयज एंड गर्ल्स ग्राउंड के अंदर रहे। मैं बुलाना चाहूंगा अपने प्राइवेट चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट मिस्टर श्यामल साहब जी को। आशीर्वचन में संक्षिप्त में दो शब्द। ऑनरेबल त्यागी साहब, ऑनरेबल यादव साहब, लेडी ऑफ द डे मैडम स्मृति, हमारे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जमुई के रमाकांत जी, मंच पर बैठे सभी एसोसिएशन के हमारे पदाधिकारीगण, और आज दो डिस्ट्रिक्ट जो नेशनल और स्टेट खेल चुकी है, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर की टीम, जो आज के मैच के आप अट्रैक्शन थे, बड़ी संख्या में यहाँ पे पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स और मीडिया के हमारे साथी। मैं सबसे पहले बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरी जमुई एसोसिएशन की टीम को, कि सुबह से लगातार आपने जितने भी कार्यक्रम रखे हैं बांध के रखा है, हिलने का मौका आप नहीं दे रहे हैं, और इतना इंटरेस्टिंग है हर चीज़, मिनट टू मिनट आपने हर चीज़ का ऑर्गेनाइज किया है, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और ख़ास करके जो बच्चे जिन्होंने मुझे सम्मानित किया है, मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि आपने जिस तरह मुझे सम्मानित किया है, कल को आपको भी उसी तरह सम्मान मिले जब आप बड़े हों और अच्छा अच्छी जगह पे जाएं। मुझे आज लग रहा है कि कबड्डी का ये दिन है, और जिस तरह से विजय जी ने कबड्डी का ये आयोजन किया है, मैं एक घोषणा करना चाहूंगा कि प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का अगले वर्ष 2018 में मैं इंटर स्कूल कबड्डी टूर्नामेंट कराना चाहूँगा, और विजय जी इसकी जिम्मेदारी लें, सारी चीज़ प्लेयर्स के रहने से लेकर सारी चीज़ों का इंतज़ाम एसोसिएशन करेगा, और मुझे लगता है कि शुरुआत बिहार से करेंगे, उसके बाद फिर हम नेशनल लेवल पे इस आयोजन को लेके जाएंगे, और जमुई इसको लीड करेगा। मैं सुबह से देख रहा हूँ कि हम लोगों के बीच मैडम स्मृति जी एक सोशल एक्टिविस्ट के नाम से जानी जा रही हैं, तो एक प्रस्ताव आपके लिए भी है, क्योंकि पूरे बिहार में आपको टूर करना पड़ेगा, ऐसे जॉब में आप हैं, तो हम लोग एसोसिएशन में भी आपको जोड़ना चाहेंगे कि आप जहाँ जाएं आप एसोसिएशन की पदाधिकारी के ऐसे से वहाँ काम करें, वो ज़्यादा होगा। और ये भी एक प्रस्ताव है, मैं चाहूँगा कि आप खुद यहाँ आकर के एक्सेप्ट करें, ताकि हम पटना जा कर के फिर आपकी घोषणा कर सकें अच्छे पद के लिए। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं कि आप सभी प्लेयर्स लोग अच्छा करें, देश का नाम रोशन करें, बिहार का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत। मैडम, थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, और मैं बहुत खुश हूँ, और मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा
कि मैं ऐसा कोई पद ले सकूं, और मैं यही प्रॉमिस करूंगी कि आपके जितने भी एक्सपेक्टेशंस हैं मुझसे, मैं उस पर खरी उतरूं, मेरी यही कोशिश रहेगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो जमुई एसोसिएशन की तरफ से रिकमेंडेशन है, तो मैं प्रदेश का मैं इनको जनरल सेक्रेटरी मनोनीत करता हूं बिहार का, और ये जमुई जिला को सिहरा जाता है कि आपने एक नगीना चुन करके दिया है जिसको हम लोग पूरे बिहार में इस्तेमाल करेंगे। धन्यवाद। फोटो सब खराब है, लाइटवा नहीं आएगा सब, तो कैसे आ जाएगा सर? नहीं आ रहा है फोटो। कचड़ा होते हेलो हेलो, माइक्रोफोन टेस्टिंग, हेलो। मैं सबसे पहले विनर टीम गांधीनगर को आमंत्रित करता हूं, कृपया मंच पे आए, और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट सोशल एक्टिविस्ट श्रीमती स्मृति पासवान, जनरल सेक्रेटरी प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन गांधीनगर विनर टीम को पुरस्कार देते हुए स्मृति मैम के द्वारा पंकज सर जोरदार तालियां गांधीनगर विजेता टीम। कृष्ण पट्टी को बुलाना चाहूंगा, रनर टीम को जनरल सेक्रेटरी के द्वारा पुरस्कृत हो। कृष्ण पट्टी की टीम जोरदार तालियां। सामने इधर थोड़ा सा देखिए, बॉयज विनर टीम, बॉयज विनर टीम कृष्ण पट्टी एनके त्यागी, मिस्टर एनके त्यागी के द्वारा जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जबरदस्त मोमेंट विनर टीम साहब के द्वारा सम्मानित करते हुए। सर, सर, मैं बुलाना चाहूंगा सर थोड़ा सामने मिस्टर एनके त्यागी जी को, जो रनर टीम को किए गांधीनगर रनर टीम के लिए। सर, मैं बुलाना चाहूंगा वुमेन टीम को, राज किशोर जी, एनके त्यागी जी सम्मानित करेंगे, जोरदार तालियां। प्रीति सिंह थोड़ा इधर देखिए, अजीत सिंह, प्रेम कुमार इंडियन आर्मी, वोमेन कबड्डी फाइनल में जो ए, 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 ए,
इधर 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 आधे इधर हो जा आधे इधर इधर बढ़ते जाओ इधर देखो इधर बढ़ते जाओ लाइन में जाओ लाइन पीछे से जो बॉयज हैं बंद करिए बेगूसराय की टीम बेगूसराय की टीम को स्मृति मैन सम्मानित करेंगे जो मुजफ्फरपुर टीम कृपया आगे आई मानेंगे ना मानने चलेगा हमारा नेशनल पर पूरा हक होता चलो बेलू ला बेलू 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 छोड़ दिए आप चाहे आप खाते हैं देने दीजिए जोरदार तालियां इधर देख के इधर बाबू लोग को देख देख के मान ले ले के मान ले देख रहा है ऐसे ना नहीं नहीं देख रहा है वहाँ ऐसे कहाँ है बने ना मन में आ रहा ऐसे कट्टा अंकल आ रहे ना प्रेम बनेगा ना तो नहीं चलेगा ले ऐसे ऐसे ले खाली ले रहे हैं हम बना नहीं ना बना नहीं ना मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार बागेश्वरी बाबू के द्वारा दिया जाएगा अंशु कुमार बेगूसराय बेस्ट लीडर अंशु कुमारी बेगूसराय बेस्ट लीडर सोनिका कुमारी रामकृष्ण स्कूल गांधीनगर मैन ऑफ द मैच सोनिका कुमारी गांधीनगर मैन ऑफ द मैच प्रहलाद कुमार मैन ऑफ द मैच सोनिका के बाद कृष्णपट्टी के प्रहलाद कुमार मैन ऑफ द मैच अब मैं बुलाना चाहूंगा अपने नेशनल प्रेसिडेंट को प्रहलाद कुमार कृष्णपट्टी मैन ऑफ द मैच नेशनल प्रेसिडेंट के द्वारा आज की फाइनल टूर्नामेंट का पुरस्कार दिया जाएगा सर्वप्रथम मैं रनर टीम को बुलाना चाहता हूं कृपया मंच के सामने आए रनर टीम मुजफ्फरपुर रनर टीम मुजफ्फरपुर जोरदार तालियां हमारे नेशनल प्रेसिडेंट के द्वारा सम्मानित होते हुए रनर टीम विनर टीम बेगूसराय जबरदस्त तालियां बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बेगूसराय की टीम अंशु कुमारी चार बार नेशनल खेल चुकी हैं जोरदार तालियां सामने थोड़ा सा सामने इधर 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 देखिएगा अरे तो उधर जा तू लोग और जाओ हां सामने देखिए बागेश्वरी चाचा को भी नेशनल प्रेसिडेंट के द्वारा मेमेंटो दिया जाएगा बागेश्वरी चाचा को भी नेशनल प्रेसिडेंट के द्वारा मेमेंटो देते हुए हमें विद्यालय के संस्थापक से निवेदन करूंगा कि विद्यालय की ओर से
चारों आज के माननीय अतिथि को सम्मानित करेंगे। एक मिनट सर, मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर एनके यादव और हमारे एसडीजीएम साहब विद्यालय के संस्थापक मेरे चाचा को पुरस्कृत करते हुए सम्मान देते हुए मिस्टर त्यागी सर एसडीजीएम जमुई को पुरस्कृत करते हुए सम्मान देते हुए म्युनिसिपल स्टेट साहब भी विद्यालय के संस्थापक से सम्मानित होते हुए इस तरह कबड्डी समारोह की समाप्ति की घोषणा की जाती है। लड़के बैठे रहेंगे, लड़के ग्राउंड में बैठे रहेंगे।